दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के वीडियो में। और आज बात करने वाले हैं डिटेल इजी प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिटेल इजी प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर जो कि वर्ल्ड का चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक है, जो कि आपके मोबाइल के प्राइस से भी जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस यानी कि कीमत जो है कम देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में सेट कर लें, क्योंकि इसी तरह का ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो इलेक्ट्रिक बाइक हो या स्कूटर हो उसका डिटेल वीडियो जो है आपको इस चैनल में जो है देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए कि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का रेंज कितना देखने को मिलता है, तो मैं बता दूं कि जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है आपको जो है लो रेंज के साथ आता है, यानी कि आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक फुल चार्ज करेंगे तो आपको जो है 60 किलोमीटर का जो है रेंज देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें डुअल बैटरी के साथ जाते हैं तो आपको जो है इसे एक फुल चार्ज करने पर जो है आपको 120 किलोमीटर का रेंज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर डुअल बैटरी के साथ जाते हैं तो एक बैटरी का प्राइस जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि आप डुअल बैटरी लीजिएगा तो उसका भी तो प्राइस होगा, तो आपको पे जो है करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो है बैटरी की बात की जाए दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 20 AH का जो है लिथियम आयन बैटरी देखने को मिलता है, जिसे आपको फुल चार्ज करने पर लगभग जो है 4 से 5 घंटे का टाइम लगने वाला है। बाकी है इसकी प्राइस के बारे में दोस्तों, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का एक शोरूम प्राइस 46,999 रुपया देखने को मिल जाएगा, जो कि एक शोरूम प्राइस है। इसमें अगर थोड़ा सा कोई पैसा वगैरह मतलब आरटीओ तो लगेगा नहीं, इंश्योरेंस वगैरह मिला के बात की जाए तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस जो ओवरऑल है वो लगभग 50,000 के अंदर में ही रहेगा। आप सोच सकते दोस्तों, जो यह वीडियो जो आप अपने मोबाइल में देख रहे हैं उस मोबाइल का कीमत जो है 10, 12 या 50, 60 हजार भी हो सकता है, तो आप उतना प्राइस वाले मोबाइल के साथ या इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस जो है आप देख सकते हैं कि आप मोबाइल से भी जो कम प्राइस वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है आपके इंडिया में ही जो है बनाया जा रहा है। आप इसका परचेस करके आसानी से ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जो है कर सकते हैं, आपको किसी भी तरह का एक्स्ट्रा खर्च जो है नहीं देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर के बारे में, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 250 वाट का जो है मोटर देखने को मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड की बात की जाए तो इसमें आपको 25 KMPH का यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड देखने को मिलती है, यानी कि इसकी टॉप स्पीड लो है दोस्तों, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को ओनली फॉर सिटी राइडिंग के लिए बनाया गया है, जिसमें आपको घर से ऑफिस और ऑफिस से घर कर सकते हैं। और इस वजह से दोस्तों इसमें जो टॉप स्पीड है ओनली फॉर 25 KMPH का टॉप स्पीड देखने को मिलता है, और जिस वजह से आपको जो है किसी भी तरह का ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आरटीओ के कानून के हिसाब से इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस उसमें पड़ती है जो कि 25 KMPH की टॉप स्पीड से ज्यादा हो, यानी कि 26 KMPH के टॉप स्पीड वाला अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर रहता तो आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती। लेकिन इसमें जो 25 KMPH की यानी कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड है, जिस वजह से इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आपको हेलमेट का जरूरत जरूर पड़ेगा, इसलिए अगर आपके पास हेलमेट है तो ले लें, नहीं तो आपको बेस्ट क्वालिटी का जो है हेलमेट नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसका जो है हेलमेट परचेस कर सकते हैं, ताकि जो है आपका ट्रैफिक चला ना कटे और 1,000-1,200 के चक्कर में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आपका परिवार जो है बिखर जाएगा। तो होशियार बनिए और 1,000-1,200 के चक्कर में ना ही पड़ के बेस्ट क्वालिटी का हेलमेट जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां जाके परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इसके कलर्स वगैरह के बारे में, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको जो है 5 कलर जो है मैनुअली देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी जो है ओनली फॉर 2 कलर जो है अवेलेबल देखने को मिल रहा है, जो कि है रेड एंड सिल्वर। यही 2 कलर में दोस्तों आपको जो है अभी जो है देखने को मिल जाएगा, जो कि आप कंपनी के वेबसाइट से जाके बुक कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,999 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। और जो 1,999 का जो आप पेमेंट करेंगे दोस्तों, वो जो है जब आप परचेस करेंगे उस समय आपका जो है ओवरऑल जो फिक्स प्राइस होगा उसमें जो आपको 2,000 रुपये जो है कम करके ही लिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इसकी टायर्स वगैरह के बारे में, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह के बारे में बात की जाए, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो है आपको आगे हो या पीछे हो दोनों में जो है ड्रम ब्रेक का ही इस्तेमाल किया गया है, जिससे कोई भी प्रॉब्लम जो है दोस्तों नहीं होता है, आप बिंदास जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर को चला पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के लाइट वगैरह के बारे में, तो इसमें जो है आपको मेन लाइट जो है हैंड लैंप या इंडिकेटर या ब्रेक लाइट वगैरह की बात की जाती है, तो उसमें आपको एलईडी का ही इस्तेमाल किया हुआ देखने को मिल जाएगा। तो आपको विजिबिलिटी के कारण या किसी भी तरह का वजह से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से लाइट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इसकी टायर्स वगैरह के बारे में, तो इसमें आपको जो है आगे हो या पीछे हो ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। और ओवरऑल दोस्तों यह इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो आपको लगभग 150 kg का जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिलेगी, यानी कि आप मैक्सिमम 2% से ज्यादा यह इलेक्ट्रिक स्कूटर में बैठा कर चला नहीं पाओगे, क्योंकि आप जो अभी देख रहे हैं इसका देखिए सीट देखिए आगे का,
वो कितना कॉम्पैक्ट है या ओनली फॉर जो है वन पर्सन के लिए जो है आगे का सीट है, एडजस्ट जो उसके पीछे का दोस्तों वो भी वन पर्सन के लिए है। आप कितना भी एडजस्ट कीजिएगा तो आप उसमें दो से एक्स्ट्रा पर्सन नहीं बैठा सकते हैं। और जो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर है ओनली फॉर दोस्तों ऑफिस से लेकर घर और घर से लेकर ऑफिस जो आपके क्लोजेस्ट एरिया में है, मान के चलिए 10 से 15 किलोमीटर में आपको जो ऑफिस पड़ता है, तो आप यह इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज कर सकते हैं और अपना मनी को सेव कर सकते हैं दोस्तों सेफ। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो है वारंटी के बारे में, तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको दो जो है वारंटी देखने को मिल जाती है। फर्स्ट है दोस्तों वो है बैटरी का, और उस बैटरी में आपको 2 साल का वारंटी देखने को मिलता है, और इसमें जो है 40,000 किलोमीटर का जो है राइड कीपिंग देखने को भी मिलता है। यानी कि दोस्तों अगर मान के चलिए मैंने यह इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज किया और लगभग 1 साल 6-7 महीने के अंदर 40,000 किलोमीटर चला लेता हूं, तो क्या वारंटी 2 साल तक रहेगी या नहीं रहेगी? तो मैं बता दूं कि नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें आपको 40,000 किलोमीटर का जो है कीपिंग देखने को मिल जाता है, जिस वजह से अगर आप 2 साल के अंदर अगर 40,000 अप्रोच कर लेते हो तो आपका वारंटी जो है खत्म हो जाएगा। और अगर नहीं कर पाती हो तो फिक्स है कि आपका 2 साल का वारंटी देखने को मिलेगा। 2 साल के अंदर अगर किसी भी तरह का बैटरी में प्रॉब्लम आता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको इसका सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। दूसरा वारंटी है दोस्तों इसमें आपको मोटर में वारंटी देखने को मिल जाता है, जिस 1 साल का जो है इसमें प्रॉपर वारंटी जो है देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इसकी बात की जाए फीचर्स वगैरह के बारे में, तो इसमें आपको जो है स्पीडोमीटर जो है डिजिटल देखने को मिलेगा, डिजिटल ट्रिप मीटर देखने को मिलेगा, रोड साइड असिस्टेंट देखने को मिलेगा, हॉर्न वगैरह तो सारे में देखने को मिल ही जाते हैं। और इसमें दोस्तों रोड साइड असिस्टेंट है दोस्तों वो आपका बहुत काम आने वाली है। मान के चलिए दोस्तों अगर आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर कहीं जा रहे हैं और एकाएक जो है मतलब कोई भी कारण से अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बंद पड़ जाती है तो आपको धकेलना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए पेट्रोल स्कूटर या बाइक लेके जाते हो तो पेट्रोल खत्म हो जाता है तो धकेलना पड़ता है ना, आपने कभी यह फेस तो किया ही होगा। उसी तरह अगर मान के चले ऐसा हो ना आपके साथ, लेकिन अगर यह हो जाता है बंद हो जाती है, तो आप जो है कंपनी की वेबसाइट में कॉन्टेक्ट करके दोस्तों इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का सोल्यूशन जो है आप वहीं से ले सकते हैं। यहाँ से इंजीनियर आएगा कंपनी का और आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सर्विस देगा, आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर का आपको ढकेलने वगैरह का जरूरत तो पड़ेगा ही नहीं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जो है पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम का भी जो लिंक है मैंने वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, क्योंकि वहां पे दोस्तों जो है आपको कंपनी के रिलेटेड कोई भी अगर अपडेट आता है, ऑफर आता है, तो मैं टेलीग्राम में बहुत जल्दी जो है उसमें अपडेट करता हूं, इसलिए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। और यह जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो वीडियो है जो कि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इतना चीपेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है आपने कभी देखा ही नहीं होगा। और हो सके अगर आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं परचेज करते हैं लेकिन आपका दोस्त का जो है नीड हो, ज्यादा पैसा ना हो, तो आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को उसे जो दिखा सकते हैं और वो परचेज करें। इसमें मेरा कोई तो कमीशन नहीं बनने वाला है, तो आप बेफिक्र रहें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है, जो डिटेल वीडियो जो है आपको दूसरे चैनल में देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और जब भी आप कोई भी गाड़ी या इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक वगैरह चलाएं तो हेलमेट जरूर पहन लें, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां जाके परचेस जरूर कर लें। चलिए।